आज हम बात करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक टॉपिक है कि सरकार विकास के उद्देश्य से फंड कहाँ से मैनेज कर सकती है। तो एक मार्केट बोरोइंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वहां तक ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ और कुछ चीजों से रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद में उसमें ये बताया गया कि आगे आने वाले सालों में हम किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, हमारे पास में कितना रिसोर्सेस है, हमको कितना बोरो करना है और कितना हमको डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीजों का एक प्लान बनाया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही कोरोना जैसी महामारी के आने के पश्चात सभी देशों में जो अर्थव्यवस्था वो बुरे तरीके से डाउन हो गई। अब भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना में लोगों की जान बचाने के साथ साथ हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार कर सकें। अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एक कंट्री में कोविड-19 या कोरोना इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो लॉकडाउन होने के कारण पूरे तरीके से बंद हो गई है, या उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बहुत धीमी गति से आगे चल रही है। तो लॉकडाउन होने के कारण हर कंट्री में, या इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां की इकोनॉमी जो है वो डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था वो डाउन हुआ और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को उसमें मिलने लगा। अब क्या हुआ? अब आरबीआई और गवर्नमेंट ने, आपको दो पॉलिसी के बारे में जानकारी होगी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। अब आरबीआई और गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर अर्थव्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए। आरबीआई ने अपने लेवल पर मॉनेटरी पॉलिसी में लगातार चेंजेस किए, पिछले कुछ महीनों में लगातार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में आपको उनके दरों में बदलाव देखने को मिल रहा हो। उसके साथ ही भारत सरकार ने अपनी फिस्कल पॉलिसी में भी या राजकोषीय नीतियों में भी कुछ नई चीजें करने का प्रयास किया। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में बूस्टअप करने के लिए उन्होंने ये बोला कि हम 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो मनी फ्लो कर। अब ये 20 लाख करोड़ रुपए आएगा तो समझने की बात ये है कि ये 20 लाख करोड़ रुपए आएगा कहाँ से, सरकार के पास ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो अगर आपको फिस्कल सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो मेनली दो पार्ट में होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो टैक्सेस और बाकी चीजें आ जाती है, नॉन टैक्सेस चीजें, और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, दोनों ही प्रकार की चीजें आपको अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी। गवर्नमेंट के टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो पिछले सालों में, वर्तमान में और आगे आने वाले सालों में भी सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि देश का डेवलपमेंट सिर्फ उन प्राप्तियों से किया जा सके। तो फिर क्या होता है? तो फिर सरकार के सामने एक टूल होता है मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग या बाजार से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया। इस मार्केट बोरोइंग की अगर हम बात करें तो मार्केट बोरोइंग में ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या अगर सरकार लोगों से पैसे मांगेगी तो लोगों सरकार के पास में पैसा आ जाएगा? नहीं, तो फिर पैसा आता कैसे? तो गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई क्या करती है, अपनी प्रतिभूतियां जारी करेगी। सरकार के पक्ष में जो आरबीआई है वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां जारी करेगी। इस टूल के माध्यम से अपने मौद्रिक नीतियों में पढ़ा है ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुली बाजार की प्रक्रिया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये किया जाएगा कि आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को जारी करेगी। आरबीआई जैसे ही प्रतिभूतियों को जारी करेगी तो उससे क्या होगा, उससे गवर्नमेंट के पास में फंड तो मिलेगा। अब ये प्रतिभूतियां, तो प्रतिभूतियां मैं आपको आगे आने वाले कुछ वीडियो में अलग से समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा जारी की जाने वाला एक कागज है जिसके बदले सरकार ऋण प्राप्त करती है, या अलग अलग जो संस्थान है अपनी अपनी प्रतिभूतियां जारी करके ऋण प्राप्त करते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी तो उससे होगा ओएमओ का यूज करके आरबीआई ट्रेजरी बिल के फॉर्म में या फिर डेटेड सिक्योरिटी के फॉर्म में अपनी सिक्योरिटी जारी कर सकती है। अब ट्रेजरी बिल के फॉर्म में या डेटेड सिक्योरिटी के फॉर्म में या जीरो कूपन बॉन्ड के फॉर्म में भी सिक्योरिटी जारी की जा सकती है। उससे होगा क्या,
उससे मार्केट का पैसा जो है वो निकलकर आरबीआई के पास में आ जाए। आरबीआई उस पैसे को सरकार को दे देगी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए उस पैसे का यूज कर लेगी और वो पैसा वापस से मार्केट में फ्लो हो जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोगों से ही पैसा उठाकर सरकार को दिया गया और वही पैसा मार्केट में पहुंचाया गया, तो लोगों के द्वारा पैसा खर्च किया जाए या सरकार के द्वारा उतना ही पैसा खर्च किया जाए, फर्क क्या है? तो एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है कीन्स। कीन्स ये कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो मनी का प्रभाव होता है, जो पैसे का प्रभाव होता है, वो सरकार के द्वारा किए गए खर्च में देखने को मिलता है। तो अगर सरकार खर्च करेगी तो उसका व्यापक रूप आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आप खर्च करेंगे तो एक लिमिटेड सिनेरियो में वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि सरकार के द्वारा अपने एक्सपेंडिचर को पूरा किया गया, गवर्नमेंट लगातार जब भी लोन उठाएगी उसके कारण से क्या होता चला जाएगा, गवर्नमेंट के डेफिसिट इंक्रीज होते रहे। अब गवर्नमेंट के डेफिसिट जब इंक्रीज होंगे तो उसके कारण से गवर्नमेंट का ऋण या गवर्नमेंट का जो डेप्थ वो भी इंक्रीज होगा। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे के बारे में मैं आपको बता दूं तो राजकोषीय घाटे का सीधा सा मतलब होता है, या राजकोषीय घाटा किसी भी कंट्री का उतना ही होता है जितना एक फाइनेंशियल ईयर में उस कंट्री के द्वारा लोन लिया गया। अब किसी भी कंट्री के ऊपर लोन का भार जितना होगा, ऋण का भार जितना होगा, उस कंट्री में निवेश वैसे ही कम होता चला जाएगा। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो यहां पर देखने को मिलता है। अब इससे हो क्या रहा है? इससे यह हो रहा है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई से सिक्योरिटी रिलीज करके ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मार्केट से पैसे उठाकर वही पैसा घुमाकर मार्केट में एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्च कर दिया और मनी का फ्लो जो है वो बढ़ गया। दूसरा केस ये है सरकार के पास में जो पिछले कुछ सालों में बंद कर दिया गया, कब? 1997। एक कॉन्सेप्ट था डेफिसिट फाइनेंसिंग। सरकार को जब भी घाटा हो, जब भी डेफिसिट हो, सरकार के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता था। और सरकार के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जब यूज किया जाता था तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले थे, जिसके कारण से 1997 में इस प्रक्रिया, इस प्रणाली को बंद कर दिया। अब ये प्रणाली बंद हो गई तो इसमें होता क्या था? एक सिस्टम था जिसमें सरकार के घाटों की भरपाई के लिए सरकार के द्वारा आरबीआई को सिक्योरिटी इशू की जाती थी और सिक्योरिटी को एक नाम दिया जाता था, एडहॉक ट्रेजरी बिल। भारत सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल रिलीज करके आरबीआई को देती थी और आरबीआई उतने ही रुपए के नए नोट प्रिंट करके भारत सरकार को देता। इससे क्या हो रहा है? इससे यह हो रहा है कि आरबीआई के पास से पैसा गया भारत सरकार के पास और एक्सपेंडिचर के जरिए वो क्या हो जाएगा, मार्केट में चला जाएगा। अब जब पैसा मार्केट में गया, मनी का फ्लो बढ़ा, तो उस पैसे के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिली। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मनी के फ्लो में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, मनी का फ्लो इंक्रीज हुआ और मनी के फ्लो इंक्रीज होने के कारण डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज होगी। लोगों के पास में पैसा तो पहुंचा लेकिन पैसे से जो डिमांड इंक्रीज हुई उसके साथ साथ में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता चला गया, तो सप्लाई इंक्रीज। अगर ऐसी होगा, अगर ये सिचुएशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इनकम जो है वो इंक्रीज होने लगेगी और इनकम के इंक्रीज होने के कारण धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एक कंडीशन ये बन सकती है। यहीं से अगर मनी का फ्लो हुआ तो दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि लोगों के पास में पैसा तो पहुंचेगा लेकिन जितनी उस पैसे से डिमांड हो रही है उसके रेशियो में, उसके कंपेयर में सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रही। तो अगर सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आपने, आपको पता है कि इन्फ्लेशन होता है और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि अगर सप्लाई के कंपेयर में डिमांड इंक्रीज हो जाए तो वहां पर हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डिमांड इंक्रीज होगी लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, जिसके कारण से इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। फिर क्या किया जाएगा? तो अब जिम्मेदारी आती है आरबीआई की। सरकार को तो अपना एक्सपेंडिचर करना है, सरकार को मुद्रा स्फीति और चीजों को नियंत्रित भी करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है विकास करना।
लेकिन जो केंद्रीय बैंक है हमारी, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी मौद्रिक नीतियों का इस्तेमाल करके वो देश को बैलेंस कंडीशन में चलाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन जब बनेगी तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई मार्केट से मनी के फ्लो को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी। मनी के फ्लो को कम कैसे करेंगे, तो वापस से आरबीआई ये कर सकती है कि वो अपने बिल या बॉन्ड को रिलीज कर सकती है कहाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो बॉन्ड यहाँ पर आरबीआई को दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा, तो उन्हीं बॉन्ड को क्या कर सकती है, आरबीआई वापस से रिलीज कर सकती है। अब जब बॉन्ड रिलीज होंगे, बिल रिलीज होंगे, तो मार्केट का पैसा धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। अब जब पैसा आरबीआई के पास में चला जाएगा तो डिमांड पे क्या असर देखने को मिलेगा, डिमांड डिक्रीज होगी, उसके कंपेयर में सप्लाई भी अगर इक्वल होती चली गई तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या हुआ, ओएमओ का यूज किया गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया गया, इन्फ्लेशन के कंट्रोल होने के कारण धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो बेटर कंडीशन में पहुंचे। तो सिचुएशन ये है कि कोरोना से निपटने के साथ साथ में भारत सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है अपनी इकोनॉमी में बूस्टअप करने के लिए, उसके पास पैसा आएगा कहां से, तो एक व्यवस्था ये है सरकार के पास जो पिछले कुछ सालों में बंद कर दी गई थी, जिसका प्रयोग भारत सरकार वापस कर सकती है। ये तो पॉजिटिव हुआ। अब नेगेटिव या क्यों बंद कर दिया, अब बात ये आती है कि अगर गवर्नमेंट को ये पता है कि हमको लॉस होगा, लॉस होने पर हमारे लॉस की भरपाई आरबीआई कर देगी कैसे, न्यू नोट प्रिंट करके, तो लगातार गवर्नमेंट के जो फिजूल खर्चे हैं, गवर्नमेंट के जो फालतू के खर्चे हैं, उनमें इंक्रीमेंट होता है। यही सारी चीजें पहले भी देखने को मिली कि गैर अनिवार्य खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण से भारत सरकार के फिस्कल डेफिसिट लगातार क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, जिसके कारण से आप जितने ज्यादा नोट प्रिंट करेंगे आपके कंट्री की करेंसी की वैल्यू उतनी ही डाउन होती चली जाएगी। आप जितने ज्यादा नोट प्रिंट करेंगे आपके कंट्री की करेंसी की वैल्यू उतनी ही डाउन होती चली जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये सारी चीजें बैलेंस कंडीशन में बनाए रखने की जरूरत होती है। तो ये एक पूरा केस था जो भारत सरकार के द्वारा अपनाया जा सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अपने खर्चों की पूर्ति के लिए और अर्थव्यवस्था को बैलेंस कंडीशन में बनाए रखने।